नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आसनसोल की मुथूत फिनकॉर्प में कल हुई डकैती ने करीब 3 साल पहले शहर की बनपुर मुथूत ब्रांच में हुई डकैती की कहानी ताजा कर दी। इस बार बदमाश दिन दहाड़े 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आसनसोल में मुथूत फिनकॉर्प की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि डकैत यूं ही उसे तोड़कर अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं। जांच में पता चला है कि मुथूत की आसनसोल दक्षिण ब्रांच में करोड़ों की ज्वेलरी और लाखों का कैश मात्र एक सिक्योरिटी गार्ड के हवाले था, जिसके चलते लुटेरे मुथूत फिनकॉर्प में आसानी से दाखिल हो गए और मात्र 20 मिनट में अपना काम करके चले गए। इसे लुटेरों का खौफ ही कहेंगे कि मुथूत फिनकॉर्प के किसी कर्मचारी अधिकारी ने कोई खास प्रतिरोध नहीं किया। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ে হাত ওঠায় আর গান পয়েন্টে নেয়, আর তার পিছন পিছনে 3 জন একসাথে ঢুকে গার্ডকে খুব মারামারি করে আর আমাদের হাত থেকে সব চাবি টাবি কেড়ে নেয়। তারপরে জাস্ট 20 মিনিটসের মধ্যে ওরা আপনাদের মারধর করে, আমার গায়ে হাত দেয়নি, বাকিদের গায়ে হাত দিয়েছে। কজন ছিল ওরা? ওরা 4 জন ছিল। মেরা 2:30 বাজে থা ট্রেনিং, মানে সোচা মানে লাঞ্চ করলো, জেসে ঘুসা এট দ্যাট টাইম हल्ला आया, 2 आदमी अंदर से आया, सिक्योरिटी गार्ड को मारा, मुझे पकड़ा, मुँह में बंदूक घुसाया, फिर मैंने गन पॉइंट मुझे वहाँ पर घाटे दोनों हाथ को बांधा, फिर बोला कि चाबी निकाल, एट टाइम बोला कि मुझे सबका एड्रेस मालूम है, वेट यूर लीव, हिंदी में बोल रहा था। हुआ एक आदमी आया, पहले कस्टमर बनकर बोला बोल लेना, हम दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोलने के बाद बंद कर दिया, दरवाज़ा खोलने के बाद बंद कर दिया, फिर वो इतना दूर आया, यहाँ से फिर झपट उधर गया, हम बोला वहाँ जाइए, वहाँ लोन होता है, वहाँ जाइए। उसके बाद झटक के हमारा हाथ में चाबी था, झपट के चाबी छीन लिया, चाबी छीनने के बाद हमको मारा है, यहाँ से फिर मारा है। अच्छा, उसका बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको जो हमको चाबी लेकर के जो मारा हम बोलूँ, हम वहाँ से भागा, यहाँ गिरा, फिर मारा, फिर चाबी छीन लिया, चाबी छीन कर फिर खोला, फिर 300 चार। तो कितना आदमी लोग आया? 4 आदमी रहे। उधर पुलिस के साथ ही CID ने भी इस लूटकांड की जांच शुरू कर दी है, साथ ही झारखंड सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि लुटेरे राज्य से बाहर ना जा सकें। वहीं इस मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस लगातार झारखंड पुलिस के संपर्क में है। हालांकि पुलिस मुथूत फिनकॉर्प के कर्मचारियों, गार्ड और मौके पर मौजूद ग्राहक आदि से मिले क्लू और CCTV फुटेज के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और उसे उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी इस लूटकांड के आरोपी भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। AIR News के लिए आसनसोल से अमन राय की रिपोर्ट।